करने चल रही थी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चेंज सुबह से धूप आई थी, नाव बारिश का मार्केट में पहुंच चुका हूं भाई। और सामने देखो पंडाल टाइप का लगा हुआ है, स्थापना हो चुकी है। और कितने बजे हुई स्थापना? 1:15 में हुई। 1:15 में हुई, थोड़ा लेट हो गए। अभी 2 बजे सुंदरकांड होने वाला है। अरे सुंदरकांड 2 बजे से है? और बहुत बढ़िया यार। और 6 बजे आरती है ये, वाह। तो आप समर्थन में ही है, हमें तो पता ही है इतना तो। और अभी कितने जने थे यहाँ पर, लगभग लगभग कितने जने आए थे आज? अभी आए थे बाजार के सभी लोग आए थे। तो ये बारिश की वजह से पूरा माहौल खराब हो गया अब तो? ना, हमने लगा रखा है टेंट। अच्छा सही है सही है। तब तो टेंट तुमने अच्छा लगा है, बहुत बढ़िया कर दिया है। और विसर्जन का काफी प्रोग्राम नहीं बता पाऊंगे, विसर्जन का प्रोग्राम कब है? विसर्जन कल हमारा 2 बजे भंडारा है। नमस्कार, हम बुआ कैसे हैं? हमारी बुआ दीजिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और सब भक्तगण अपना अपना सही तो हो चुका है, मगर स्पीड देखो बारिश कितनी तेज हो गई है भाई। ऐसा लग रहा मूसलाधार बारिश होगी। प्रसाद का वितरण भी अब होने लगा है, धीरे धीरे करके सबको प्रसाद बांटा जा रहा है। बैक अगेन दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पे। और गणेश चतुर्थी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो आज जा रहा हूँ मैं तलिताल मार्केट की ओर को, बिकॉज आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर, यानी पापा के जन्मदिन के अवसर पर, वहाँ पर आज प्रोग्राम किया है बहुत ज़बरदस्त। आज स्थापना की है, 2-3 दिन बाद अगर विसर्जन भी होने वाला है उनका, तो वो भी आपको दिखाया जाएगा। बट जो प्रोग्राम अभी होने वाला है उसको देखने मैं जा रहा हूँ मार्केट की ओर को। मौसम टोटली चेंज, सुबह से धूप आई थी, नाव बारिश का माहौल हो चुका है। और मेरे को ये नहीं पता कि स्थापना की गई है कि नहीं की गई है, पर बारिश सर बहुत तेज हो रही है, जिससे कि उस स्थान पे जो सजावट का काम करा रहा हो वो खराब ना हो गया हो यार। सो मैं तो मार्केट की ओर जा ही रहा हूँ, पर ये बारिश रुके तो प्रोग्राम और भव्य हो गए। सो चलते हैं मार्केट की ओर को, और मार्केट में जो प्रोग्राम होने वाला है उसको दिखाते हैं आज आपको। लिटल मार्केट में पहुंच चुका हूं भाई, और सामने देखो पंडाल टाइप का लगा पड़ा है, यानी कि टेंट वगैरह लगा दिए, वो भी तिरपाल वाला लगा रखा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ जाड़ों का, बरसात का, सबका दिन चल रहा है, जाड़े तो हमेशा ही रहते हैं और बरसात होती रहती है, इस वजह से लगा के टेंट है। सो चलते हैं मार्केट के अंदर यार। हाय गोपाल जी, तुम तो यार परदेसी हो गए, काली इधर से आ गए तुम तो, और ऊपर से भीगे भीगे सो रहे हो तुम तो। जिंदगी भीगी भीगी सी है, कोई नहीं हम जाते अंदर। ओके सो एक कोने वाला रास्ता दे रखा है भाई, और यहाँ से पानी टप 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 कर रहा है, तो कोने कोने निकलते हैं और देखते हैं। तो मंदिर में स्थापना हो चुकी है, और यहाँ हमारे पवनदा भी देख रहे हैं, पंडित जी भी आए हैं बाहर से। स्थापना पता नहीं कितने बजे हुई है, पूछा जाएगा तभी पता चलेगा कितने बजे स्थापना देवी करी गई है। और यहाँ पर भाई बहुत सारे लोग आने वाले थे, जिसके वजह से यहाँ पर बारिश पड़ी है, और बारिश की वजह से कोई आया भी नहीं ज़्यादा यार, मगर गदगद हो गया है माहौल। इसके बाद अभी भजन होएगा। अरे पवनदा नमस्कारम, कितने बजे हुई स्थापना? 1:15 में हुई। 1:15 में हुई, थोड़ा लेट हो गए। अभी 2 बजे सुंदरकांड होने वाला है। अरे सुंदरकांड 2 बजे से है? और बहुत बढ़िया यार। और आरती होगी, 6 बजे आरती है ये, वाह। तो आप समर्थन में ही है, हमें तो पता ही है इतना तो। और अभी कितने जने थे यहाँ पर, लगभग लगभग कितने जने आए थे आज? अभी आए थे बाजार के सभी लोग आए थे। तो ये बारिश की वजह से पूरा माहौल खराब हो गया अब तो? ना, हमने लगा रखा है टेंट। अच्छा सही है सही है। तब तो टेंट तुमने अच्छा लगा है, बहुत बढ़िया कर दिया है। और विसर्जन का काफी प्रोग्राम नहीं बता पाऊंगे, विसर्जन का प्रोग्राम कब है? विसर्जन कल हमारा 2 बजे भंडारा है। नमस्कार, हम बुआ कैसे हैं? हमारी बुआ जी जी ठीक है, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपको भी। तो कैसा रहेगा प्रोग्राम, मुझे ये बताइए आप। ये तो आप बताइए। आप बताओगे ना, मेरे को बताओगे तभी तो होगा। जी नमस्कार, और चली बताएंगे सब। बुआ बताओ तो सही, कैसा रहेगा प्रोग्राम आज? नमस्कार, बहुत बढ़िया है। हाँ जी, और कल भंडारे का आयोजन कर रहे हैं। भंडारे भी है? हाँ, कल भंडारा है, और सब भक्तगण अपना अपना सहयोग करेंगे, और सब प्रसाद ग्रहण करने के जरूर आइए, और सब गणेश जी की कृपा से सबकी कृपा दृष्टि बनी रहे, और सबकी बनी रही कृपा दृष्टि। पर प्रोग्राम होने वाला 2 बजे से सुंदरकांड, फिर शाम को होगा आरती 6 बजे ना, तो शाम और दिन में भी यहाँ पर ही बने रहते हैं आज पूरी तरीके से, तब तक का यहीं रहते हैं भैया। मतलब स्पीड देखो बारिश की कितनी तेज़ हो गई है भाई, ऐसा लग रहा मूसलाधार बारिश अभी हो जाएगी, अलर्ट बता दिया गया है। मगर यहाँ पर सब अभी सुंदरकांड के लिए धीरे धीरे यहाँ पर
भक्तगणों की संख्या में वृद्धि दिखने को मिल रही है। बट ये बारिश की वजह से होती कि नहीं होती ये तो मेरे को पता नहीं है, मगर होगी ज़रूर क्योंकि पहला प्रोग्राम अभी शुरुआत है आज से और फिर कल से नंदा देवी का महोत्सव शुरू हो जाएगा। बट तब तक यहाँ पर देखो कैसा रहेगा। शुरू हो चुका है सुंदरकांड और यहाँ पर भीड़ बढ़ चुकी है भैया। भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई कि अब तो यहाँ पर तांडा लग गया भक्तों का। सो चल रहा है सुंदरकांड अभी लगातार और चाय बाटी जा रही है अभी रेस्ट के बाद और धीरे धीरे अब भजन कीर्तन स्टार्ट हो रहे हैं, शुरू हो रहे हैं और बहुत से भक्तगण यहाँ पर आ चुके हैं। तो चाय पानी के साथ समोसे वमोसे भी दिए जा रहे भाई। अब तो ये सुविधा बहुत अच्छी कर रही है क्योंकि काफ़ी देर बैठने के बाद आदमी को थोड़ा सा भूख वगैरह लग जाती है जिससे कि थोड़ा सा खाने पीने के लिए कुछ चाहिए होता है। बट और आशीर्वाद के साथ भगवान प्रसाद भी बांट रहे हैं। भगवान के आशीर्वाद ये है जो प्रसाद का वितरण करा जा रहा है इनके माध्यम से, शनिदा के माध्यम से। आरती का समय कह रहा था, अब आरती होने लगी, देखिए सामने आरती चल रही है, खूबसूरत सी आरती एकदम। संध्या काल ऑलमोस्ट तो होने लग गया है तो आरती का दोबारा बहुत चलने लग गया। और देखो आरती के साथ साथ सभी के साथ अपने हाथ से जोड़ के पप्पा से विनती कर रहे कि उनके दुख हर ले, क्योंकि पप्पा दस दिनों के लिए जो होते पृथ्वी में दुख हरने के लिए आते हैं। प्रसाद का वितरण भी अब होने लगा है, धीरे धीरे करके सबको प्रसाद बांटा जा रहा है और किसी को सेब और प्रसाद दोनों दिए जा रहे हैं प्रसाद के रूप में। तो आरती का भी ऑलमोस्ट पूरा डन हो चुका है तो मैं भी सोच रहा हूँ थोड़ी देर में वापस की ओर बढ़ता हूँ क्योंकि आज की जो ये आरती रही है बहुत खूबसूरत रही है। सुबह से जो मेरा दिन आया पता चला है, देखो सबों को आरती दी जा रही है, वहाँ पर पप्पा सब पे विराजमान है यानी कि सब उसके आशीर्वाद दे रहे हैं पप्पा। हम आके शरण आके डर पाए, शरण में तो हम आए हुए हैं और आशीर्वाद लीजिए और पप्पा आपके दुख लेंगे। प्रोग्राम फिनिश हो चुका है और जो आरती थी बहुत भव्य हुई आज। सो प्रसाद भी वितरण हुआ, थोड़ा बहुत प्रसाद हमने लिया, खा भी लिया और चढ़ा भी लिया, कान पे लाल डाल देना। सो अब कल है भंडारा इधर, सो मिलते हैं तुम्हें कल अपने नए कस्ट ब्लॉग में। तो ब्लॉग पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, दिस इज रियल यू 93.04 या रियो ब्लॉग इसमें भी सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। तो आपके लिए ऐसी वीडियो भर भर के लेके आने वाला हूँ दोबारा और दोबारा और बार बार। सो बाय बाय एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब, बेल आइकन, शेयर, कमेंट सब कर देना। सो बाय बाय एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।